आज नहीं तो कल बंद होगी। दोस्तों, हम लोगों ने जोधपुर में डिसीजन लिया था। डिसीजन हमारा ये था कि स्ट्राइक के अलावा और कोई मेरा रास्ता नहीं है। हमने सारा डेमोक्रेटिक प्रोसेस कर दिया है, अब हमको हड़ताल पर जाना होगा। हड़ताल का प्रिपेरेटरी प्रोग्राम लिया था आपने, हर जोन में बढ़िया से अपना प्रिपेरेटरी प्रोग्राम किया। बहुत बाधा होने के बावजूद भी आपने सक्सेसफुल अपने प्रोग्राम को बनाया, आपने प्रोग्राम किया, और आज हम लोगों ने रैली का प्रोग्राम लिया। इसलिए रैली का प्रोग्राम लिया कि यहाँ से हम स्ट्राइक नोटिस देंगे और स्ट्राइक का डेट तय करेंगे। हम स्ट्राइक का नोटिस देंगे और हम स्ट्राइक का डेट फिक्स करेंगे, हम स्ट्राइक में जाएंगे। लेकिन इसी बीच में कुछ दुखद घटना हो गई हमारे सामने, हमारे देश के सामने कुछ दुखद घटना हो गई। और वो घटना ये है कि पहला बार हमारे होश में, तो ये पहला बार कि 44 आर्मी के लोग मारे गए फुलगांव में। देश के लिए उन्होंने अपना कुर्बानी दी। अब इसको नज़र में रखते हुए हमने उचित नहीं समझा, हमने कहा वर्किंग कमेटी मीटिंग की, सारे हमारे साथी वहाँ मौजूद थे, उन्होंने भी उचित नहीं समझा कि जैसा हमने डिसीजन लिया था कि हम डेट यहाँ से डिक्लेयर करेंगे, हम अपनी डेट डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। लेकिन हड़ताल का डिसीजन मेरा रहेगा, पक्का रहेगा। आज नहीं जाएंगे तो कल जाएंगे। आज के हमारे लिए सरकार बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, चाहे कोई भी सरकार आवे, हम हड़ताल करेंगे। अगर हमारी मांग को नहीं दी गई, हमारे साथ न्याय नहीं दिया गया, कोई बात नहीं है। एक महीना अंतर हो सकता है, इलेक्शन डिक्लेयर होने वाला है, हो सकता है कि कंडक्ट ये भी लग जाए, आचार संहिता लग जाए, हो सकता है। तो ये सबको नज़र में रखते हुए हमारी लड़ाई जो है, हमारा स्ट्राइक है, एक दो महीना हो सकता है कि डिफर हो जाए, लेकिन हड़ताल की डिसीजन रहेगी। आपको हमें वचन दे के जाना होगा कि आपकी जो तेज है, आपकी जो जोश है, ये जोश कभी भी कम नहीं होगी। हम अपने मांग को रखेंगे, अपने मांग के लिए रखेंगे, ये आपको बोल के जाना होगा। और अपनी जगह पर जा कर के हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। और आपको अपनी जगह पर जाकर के जहाँ से अगर थोड़ी कमी भी रह गई है, उसको कमी को दूर करना होगा और ये अपने लड़ाई को आगे बढ़ाना होगा, संगठन को आगे बढ़ाना होगा। हम अगर हमारी मांग नहीं मानी गई, हमने डिसीजन लिया है कि हमने मार्च उनको टाइम दिया है कि मार्च, क्योंकि एक हमारे एमपी को राज्यसभा में जवाब दिए थे, बोले थे कि नहीं, इनका विचारणीय है, फॉरवर्ड किया जा रहा है, बोर्ड डिसीजन ले लिया है, यहाँ हम फॉरवर्ड कर रहे हैं, हम इसका भी इंतज़ार कर रहे हैं, ताकि कोई ये ना बोले कि हम तो बोला लेकिन आप तो माने नहीं, चले गए। ये मौका हम नहीं देना चाहते हैं। हम LRSA के लड़ाई में कभी भी ये मौका नहीं देना चाहें कि किसी को कुछ कहने का मौका मिल जाए। हम हमेशा देश को बनाया है, देश का उत्पादन किया है, रेलवे को बढ़ाया है, देश की उन्नति की है। अगर हम एक दिन गाड़ी बंद करेंगे, भारत वर्ष बंद हो जाएगा। ये जिम्मेदारी हमारे पास है, भारत वर्ष को चलाने का है। ये हम सोचते हैं बोल करके, हम किसी को कहने का मौका नहीं देते, आज भी मौका नहीं देंगे हम कुछ कहने का, क्योंकि वो पार्लियामेंट में बोले हैं, राज्यसभा में बोले हैं। मैं चाहता हूँ कि रिलेशन अच्छा कर रखते हुए, उसको हमारे मांग के मुताबिक, RSA 80 के मुताबिक हमको किलोमीटर अलाउंस दे दे, मेरा पे दे दे, मेरा टीए दे दे। मैं ये चाहता हूँ शांतिपूर्ण रास्ते से वो हमको दे दे। मैं ये भी चाहता हूँ कि pre-16 वाले जो रिटायर हैं उनका बेनिफिट दे दे। मैं ये भी मांग किया हूँ कि NPS को आप बंद करो, OPS लाओ। ये सारी मांगों के ऊपर विचार, और सेफ्टी रिलेटेड कुछ मांगे हैं, जैसे ड्यूटी आवर्स का है, रेस्ट का है इत्यादि, इसके ऊपर आप अपना जल्दी जजमेंट लो, ताकि हमको हड़ताल में नहीं जाना पड़े, हमको स्ट्रगल नहीं करना पड़े। लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि आप अपने जोश को ख़त्म नहीं करोगे, समय का इंतज़ार करोगे, समय आ जाएगा, हम भारतवर्ष को बंद करेंगे, हम गाड़ी को बंद करेंगे, हम सबका सहायता लेकर के बंद करेंगे, आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, वर्किंग क्लास आंदोलन को हम मूवमेंट
मूवमेंट गति देंगे और भारतवर्ष में एक ऐसी क्रांति की स्थिति को हम लाएंगे। हम करने वाले हैं, हम आंदोलन के नेता हैं, एक ऐसी क्रांति की स्थिति को पैदा करेंगे कि श्रमिक का जो शोषण हो रहा है उस पर बंद हो, स्टॉप हो, सरकार जो भी आवे व्यवस्था वही रहेगी। हम एक व्यवस्था के विरोध में लड़ना है। इसलिए दोस्तों मैं अभी कॉमरेड तपन सिंह जी को बोलता हूँ, वो आकर के अपनी बात को रखें, चाहे कि ये मीटिंग हमें ज़्यादा, मैं एक डेढ़ घंटे में ये मीटिंग को समाप्त करूँगा, चाहे कि आप देख लो सबका जगह आपने ले लिया है, सारे साथी हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, मैं उन सारे साथियों का आभारी हूँ। वो भी आंदोलन कर रहे हैं, हम भी आंदोलन कर रहे हैं, आज जरूरत है हम सब मिलकर आंदोलन करें ताकि इस व्यवस्था में हम परिवर्तन ला सकें, यही मैं बोलना चाहता हूँ। अब समझे तपनदा हमें अपनी बात करें। मेरे जुझारू